दलित और पिछड़ों को वंचित नहीं होने देंगे। प्रधानमंत्री को जानकारी का अभाव है, अभी कर्पूरी ठाकुर जी को उन्होंने भारत रत्न दिया, लेकिन उन्हीं के विचारों को वो विरोध कर रहे हैं। जब पहली बार कर्पूरी ठाकुर जी मुख्यमंत्री बने थे तो जितने भी सामाजिक तौर पे पिछड़ी जातियां थी, चाहे किसी भी धर्म के हों, सबको पहली बार आरक्षण मिला था। इसमें तो जनता दल यूनाइटेड के नेताओं से पूछो ना कि वो इस पे क्या कहते हैं। कर्पूरी जी के निर्णय को गलत ठहराना क्या उचित है क्या? तो पहली बार उसी टाइम मिला था, चाहे किसी भी धर्म में जो सामाजिक तौर पे जो पिछड़ी जातियाँ थी, और मंडल कमीशन में भी 84 से 85 ऐसी पिछड़ी जातियाँ जो हैं उनको जो है मिला था, सिफारिश हुई। विजेंद्र यादव कह रहे हैं कि जमानत पे आप लोग घूम रहे हैं। विजेंद्र यादव पासवान कह रहे हैं जमानत पे आप लोग घूम रहे हैं। विजेंद्र यादव कह रहे हैं लालू जी और उनका बेटा, तो क्या दिक्कत है? वही केस कराए, वो तो कोर्ट ने हमको जमानत दिया है, यही लोग ना फंसाया है कहाँ से। और 4 दिन पहले ही लोग क्या कह रहे थे, नीतीश जी की जान मुझ के ईडी सीबीआई वाला इसके पीछे पड़ जाता है। अपने नेता का बात तो सुने हो। चिराग पासवान कह रहे हैं, चिराग पासवान ने कहा है कि 2020 तेजस्वी यादव को याद करना चाहिए, हमको अलग चुनाव लड़े। अरे भाई वो सब छोड़िए ना उनकी बात, बैंगलोर में जो हो रहा है कर्नाटका में, काहे नहीं बोल रहे चिराग पासवान? और हम तो चिराग पासवान जी को बोलते हैं, आप तो कहते थे कि संपन्न जो दलित है उसको आरक्षण छोड़ देना चाहिए। तो संपन्न दलित है तो आरक्षण क्यों नहीं छोड़ दे? और भाजपा के नेता लगातार बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को ख़त्म करने का प्रयास कर रहे हैं, तो मुंह नहीं खुल रहा है? खुलना ना चाहिए। आप तो संविधान को ख़त्म करने वालों के साथ हैं, आप क्या हमको नसीहत दीजिएगा या देश की जनता को बताइएगा? तो इतना खतरनाक डिज़ाइन हो रखा है पूरे देश में। चंडीगढ़ में कितना बड़ा बेमानी हुआ, बीजेपी को कैसे जिताया गया, सुप्रीम कोर्ट का फटकार सुने, क्या हुआ आखिर, रद्द किया गया। इंदौर में जो व्यक्ति था, प्रत्याशी था, उस पर 3 दिन पहले 307 का मुकदमा डाल करके उससे वापस करा लिया गया डरा करके। सूरत में तो खरीद लिया गया। खजुराहो में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को नामांकन रद्द कर दिया गया। यानी लोकतंत्र के लिए सबसे खतरनाक बात है कि जनता को भी अपना MP चुनने का अधिकार ये नहीं दे रहे। इससे खतरनाक बात और क्या हो सकती है, जहां आपको मौका ही नहीं मिल रहा कि आप अपना प्रतिनिधि को चुने, सब कुछ वही तय कर रहे हैं, ये तानाशाही नहीं तो और क्या है। कल JP नड्डा, राजनाथ सिंह भी आ रहे हैं, और लोग को बुला लें, विदेश से ट्रंप को